नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंदिर मौजूद हैं। यह मंदिर भारतीय जनमानस की आस्था का प्रतीक है। इन मंदिरों में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। देवी देवताओं की पूजा के अलावा भारत में जीव जंतुओं की पूजा भी की जाती है। भारत के कोने कोने में विभिन्न जीव जंतुओं से संबंधित मंदिर स्थापित हैं। खासकर इन जीवों में नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता को भगवान शिव के गले का आभूषण माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सर्प मंदिर या स्नेक टेंपल के नाम से प्रसिद्ध है। मनारशाला का स्नेक टेंपल। मनारशाला में नागराज और नाग यक्षी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़ी खास बात यह है कि 16 एकड़ में फैले इस मंदिर में हर जगह पर सर्पों यानी सांपों की मूर्तियां ही दिखाई देती हैं। इनकी संख्या 30,000 से अधिक मानी जाती है। नमुद्री घराने की बहू करती है मंदिर में पूजा का कार्य। कहा जाता है कि महाभारत काल में यह स्थान एक वन प्रदेश था जिसे खंडावा के नाम से जाना जाता था। इस स्थान को जला दिया गया तो इस स्थान पर केवल एक भाग ही बचा। इस बचे हुए स्थान पर सांपों और अन्य कई जीव जंतुओं ने शरण ली थी। कहा जाता है कि मनारशाला वही स्थान है। मंदिर परिसर के पास ही एक नम्बूदरी का साधारण सा खानदानी घर है। मंदिर में पूजा अर्चना आदि सभी कार्य इसी घराने यानी नम्बूदरी घराने की बहू द्वारा ही किया जाता है। इस प्राचीन घराने की बहू को अम्मा कहकर बुलाया जाता है। अम्मा शादीशुदा होने पर भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य धर्म को निभाती है और इस दौरान दूसरे पुजारी परिवार के साथ अलग कमरे में रहती है। मंदिर से जुड़ी कथा। मान्यता है कि नम्बूदरी घराने की एक स्त्री के घर संतान नहीं थी। उसने वासुकी से प्रार्थना की और उस औरत के अधेड़ होने के बावजूद वासुकी ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रसन्न होकर वरदान दिया। इसके बाद उस औरत की कोख से 5 सिर वाले एक नागराज और एक अन्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस नागराज की प्रतिमा आज भी इस मंदिर में मौजूद है। माथा टेकने से होती है संतान की प्राप्ति। मान्यता है कि जिन लोगों के घर में संतान नहीं होती, इस मंदिर में मन्नत मांगने से उनको संतान प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को मंदिर के पास वाले तालाब में नहाना पड़ता है और गीले कपड़ों में ही दर्शन करने पड़ते हैं। मन्नत मांगने के समय साथ में खुले मुंह वाला कांसे का बर्तन ले जाना पड़ता है। स्थानीय भाषा में इस बर्तन को उरुली कहा जाता है। इस पात्र को उल्टा करके रख दिया जाता है। मन्नत पूरी होने पर और संतान प्राप्ति के बाद लोग दोबारा इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। इस दौरान वे रखे हुए बर्तन को सीधा कर देते हैं। इस बर्तन को सीधा करने के बाद भक्त उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा इत्यादि डाल देते हैं। तो दोस्तों, यह थी सर्प मंदिर से जुड़ी जानकारी। यहाँ पर मन्नत मांगने पर संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।